हाय फ्रेंड, मैं हूँ मिलिन मिसाल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में हम लोग एक स्माइली फेस बनाने वाले, हंसमुख चेहरा, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग फेस के फीचर्स ड्रॉ करने वाले, जैसे उसका हेयर स्टाइल, नोज, आईज, ईयर्स, लिप्स, नेक, ये सारा का सारा हम लोग क्रिएट करने वाले। तो सारे रियलिस्टिक फॉर्म ना होते हुए एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम फेस का ड्राइंग करने वाले। कलर कॉम्बिनेशन भी हम हमारी चॉइस का कर सकते। इसके लिए जो मटेरियल लगने वाला है वो सबसे पहले हमें ड्रॉ करने के लिए पेंसिल लगेगा, इरेजर लगेगा रब करने के लिए, उसके बाद स्केल, और बॉर्डर बना लिया है स्केल से, और हम लोग मार्कर या ब्लैक स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उसके लिए कलर्स लगते हैं। तो कलर्स के लिए हमारे पास ऑयल पेस्टल कलर है। अब इसके अलावा हम एक्रेलिक कलर, वाटर कलर्स, उसके अलावा हम लोग पेंसिल, क्रेयॉन सब का यूज़ कर सकते। कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में हम लोग ये पेंटिंग बनाने वाले, हमारी चॉइस के कलर मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑयल पेस्टल कलर हैं, इसमें से हम 4 कलर यूज़ करने वाले और एक वाइट एडिशनल रहने वाला है। तो 4 कलर हमारे चॉइस के हम लोग चूज़ करके बना सकते हैं। अब ये जो ड्राइंग पेपर है इसके अंदर हमें कितना बड़ा फेस ड्रॉ करना है, कितना छोटा करना है, कहाँ से ड्रॉ करना है, ये हम समझेंगे। इस पेपर का ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर में हम लोग एक लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके अलावा हम फेस के लिए एक यू अल्फ़ाबेट ड्रॉ करते हैं, जैसा यू अल्फ़ाबेट होता है। अब वो ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो स्केल है उससे हम लोग ये बॉर्डर से रिलेटेड ही सेम रखकर एक ऊपर से नीचे की ओर लाइंस ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड से सेम करते हैं। हो जाने के बाद उसको हम लोग ज्वाइन करते, तो ऐसा लगेगा जैसे ये यू अल्फ़ाबेट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये ड्रॉ हो जाने के बाद हम ऊपर से उसका सर वाला पार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। तो हेड का पार्ट जो ड्रॉ करेंगे वो भी सेम एज इट इज़ कर्व कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमारे चॉइस से हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हेयर स्टाइल भी हमारे चॉइस का बना सकते, आँख हमारी चॉइस का बना सकते। तो हम लोग दो बड़े से सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों साइज सेम होना चाहिए, या सेम नहीं भी रहा तो चलेगा, दोनों का डिस्टेंस आगे पीछे भी हो सकता है यहाँ, लेकिन हम दोनों सेम ड्रॉ करने की कोशिश की। अब हेयर स्टाइल हमारी चॉइस के हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने ऐसे रेक्टेंगल टाइप ज्वाइन करने का कोशिश किया, दोनों साइड से सेम बनाए। उसके बाद यहाँ सेंटर में हमें नोज ड्रॉ करना है, तो नोज भी हम स्केल से पहले एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर लेते, फिर स्लैंटिंग लाइन हम ज्वाइंट कर देते। ड्राइंग हमेशा लाइट लाइट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, इरेज करें तो इरेज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने कान एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना दिए, थोड़ा एक ऊपर एक थोड़ा सा नीचे। अब हम उसके माउथ के लिए दोनों साइड स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद सेम एज इट इज़ वापस हमने यू अल्फ़ाबेट जैसा ड्रॉ किया था वैसा ही पार्ट हम उसके माउथ के लिए बना रहे हैं। दो लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सेम एज इट इज़, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। और नेक का भी पार्ट हम बना लेते हैं, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर का हम शोल्डर ड्रॉ किए सिर्फ। यहाँ पे हम लोग और भी कोई डिज़ाइन बनाना है बैकग्राउंड में, तो हम लोग बैकग्राउंड में डिज़ाइन बना सकते हैं, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग, फ्लावर, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म डिज़ाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे पास ब्लैक स्केच पेन या मार्कर से हम लोग पूरे ड्राइंग को अच्छे से वापस आउटलाइन कर लेते। हम ऑयल पेस्टल यूज़ करने वाले हैं इसलिए हम लोग पहले आउटलाइन कर रहे हैं। यदि वाटर कलर करना रहेगा तो बाद में हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें से हम हमारे चॉइस के 4 कलर वाइट एक्स्ट्रा है, तो ऐसे हम लोग ये 4 कलर चूज़ किए। अब कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, इन चारों को मिलाकर ही हमें पूरा ड्राइंग कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा कलर नहीं लेना है।
अब ये हमारे पास एक शेड है, इसको हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ऑयल पेस्टल कलर करें, कलरिंग हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है और छोटे छोटे पार्ट में करना है। पेपर का भी वाइट नहीं छूटना चाहिए, छोटे छोटे राउंड, छोटे छोटे एजेस, सब पर अच्छे से ध्यान देना है। पूरा का पूरा कलरिंग एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे हम शेडिंग नहीं कर रहे, इसलिए यदि आप लोगों को शेडिंग करना है कर सकते हैं इसी के लाइट टू डार्क शेड में। अब उसका हेयर स्टाइल में जैसे आपने देखा होगा ब्लैक कलर रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेड कलर कर रहे हैं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। अब हम ऊपर के पार्ट में ब्लू कलर कर रहे हैं, पूरा अच्छे से करना है कलरिंग, कहीं पे भी वाइट नहीं छूटना चाहिए। पूरा अच्छे से हो जाने के बाद हम उसके नोज के लिए येलो शेड यूज़ कर रहे हैं, तो येलो का कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं, लाइट डार्क क्रोम येलो, येलो ऑकर, लेमन येलो, इसमें से कोई भी शेड अच्छे से कर सकते। नोज का हो जाने के बाद हम फेस के ऊपर रेड शेड करने वाले, रेड भी अच्छे से कलर भरना है, आउटलाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए, वाइट वाइट भी नहीं दिखना चाहिए। छोटे छोटे पार्ट्स में कलर होता है, छोटा छोटा राउंड राउंड कर ऐसे पूरा का पूरा कलर अच्छे से भरना है, पेपर का कहीं नहीं। नेक के लिए हमने नोज के लिए भी सेम किया वैसे येलो कर किया है और नीचे बॉडी नेक में रेड कलर किया है, शोल्डर के लिए ब्लू कलर। अभी जो बाकी का बचा बैकग्राउंड है इसके अंदर हम डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो प्लेन कलर अच्छे से हमने ब्लैक कर दिया। तो ये पूरा का पूरा इस टाइप से अच्छे से धीरे धीरे करना है और अच्छे से एक आपको ड्राइंग बनाना है, अपना इमेजिनेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब पूरा का पूरा बैकग्राउंड अच्छे से हो जाने के बाद उसके माउथ के पार्ट में हम कलर करने वाले हैं और आईज के अंदर, आई के अंदर हमने ब्लैक किया, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं। और जो पेपर का वाइट है वो हम लोग ईयर्स के अंदर छोड़ने वाले हैं और माउथ के ऊपर। तो यहाँ पे हम अच्छे से रेड पूरा का पूरा भर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में। तो इस टाइप से ये अच्छा सा हम एक ड्राइंग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना सकते हैं और पूरा का पूरा ड्राइंग सुंदर कोई भी मीडियम में करने के बाद बहुत सुंदर दिखाई देता है। थैंक यू सो मच।